मॉर्निंग गाइस, मैं सो के उठ चुका हूँ और टाइम हो रहा है आपका 10 बजने वाले हैं। तो आज वैसे देखते हैं कहाँ जाते हैं। सो के तो उठ चुका हूँ। ताई और भाई वगैरह धनिया काट रहे हैं, धनिया दिखा रहा हूँ, काट के रहे, धनिया निकाल रहे, धनिया उगाया था, धनिया निकाल रहे, तो दिखाता हूँ आपको। तो देखो गाइस, इधर धनिया लगा हुआ था इसमें पूरे में, ये धनिया निकाल निकाल के इधर रख दिया और इसमें धनिया बचा हुआ अभी। धनिया, इसको धनिया पाउडर बनाएंगे। जिस जिसको भी लेना हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मैं आपको आधा किलो फ्री में भिजवाऊंगा दिल्ली। आधा किलो फ्री में दिल्ली भिजवाऊंगा। तो ये है धनिया, धनिया निकालते हैं फिर मिलते हैं। भाई जैसे आप देख रहे हो, ये है इसमें लहसुन, मूली और मटर, मटर वगैरह होके इसमें रेडी हो चुके हैं। तो इसके बाद इसमें लगेंगे टमाटर, मटर, बैंगन वैंगन जो लगाने हो वो लगा दो और खा लो। और देखो मुर्गियाँ इधर बैठी हुई हैं सारी। ये जो मुर्गी है, इसका एक बच्चा था जो मैंने आपको दिखाया भी होगा। इसका बच्चे को मतलब पहले 3 या 4 बच्चे थे, वो पहले मर गए थे। अब एक बच्चा जो बचा हुआ था, उसको चूहा या बिल्ली खा गई, अब क्या खा गया ये तो पता नहीं। अब थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, वो मिली है नहीं। तो अब चलते हैं, लियो और रियो, उसको रियो और पीटर को भी दिखाता हूँ। पहले वो देखो पहाड़ दिख रहे होंगे, तो अब देखते हैं कहीं चलते हैं। तो गाइस अभी जा रहे हैं जैसे पिंडदान वगैरह होता है वो करने के लिए। तो पिंडदान करके फिर चलते हैं, मतलब पिंडदान वगैरह करने जाना। चाचू वगैरह जाएंगे पिंडदान करने, तो पिंडदान वगैरह करने चलते फिर चलते। बाहर से घर दिखा देता हूँ पूरा, ऐसा घर बना हुआ है इधर गांव में हमारा। तो ये बाउंड्री दे रखी है पूरी, ये मंदिर है हमारा। और इधर से भी जैसे इधर से आपने देखा है पूरा बंद हो रखा है, इधर से पूरा बंद होगा। अभी चलते पिंडदान वगैरह करने जाना है, पिंडदान चाचू के साथ चलते। चाचू करेंगे क्योंकि हम तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे घर में शादी वगैरह है, तो उस वजह से फिर चलते। चलो अब देखते हैं कि अगर गाड़ी में जगह होगी तो मैं भी जाऊँगा, अगर नहीं होगी तो फिर देखते कहीं और चलते हैं फिर बाग जात घूमने के लिए। चलो चलते। पिछले तो आ रहे वो मंजे बात थी ना, आज जो वो चली गए हैं क्या है मानो मान ऐसे ही है। जा रहे हैं हम सामान वामान लेके, और अभी गाड़ी खड़ी है आगे, तो गाड़ी में बैठते हैं फिर चलते हैं। अस्थियाँ वगैरह जो करते हैं वो करनी है, अस्थियाँ वगैरह करके फिर उधर नहाएंगे वगैरह। अब आपको दिखाऊंगा कैसा मंदिर है, तो दिखाता हूँ फिर आपको। अगर रोड है मतलब हम इधर से जाते हैं, इधर से अंदर गाड़ी नहीं जाती, पीछे से जाती है। तो ये है इधर का। जैसे देख सकते हो मंदिर में पूछने के लिए आ रखे कि जैसे सामान वगैरह था, तो वो लेके जाना है नहीं जाना या क्या होगा उधर। तो ये भी वैन खड़ी है हमारी, और इधर की रोड यार मतलब एक बारी में एक गाड़ी निकल सकती है। देखो कितनी पतली रोड है, इधर के रोड ना इतने पतले हैं कि एक बारी में एक ही, देखो स्कूटी तक एक ही जा रही है यार, मतलब उसने उस बंदे ने रोक रखी है वो। देखो दिखाता हूँ ये भी, तो इतनी पतली रोड है इधर की, मतलब अंदर अंदर वो देखो जैसे वो देख पा रहे हो। अभी उधर ना हमने रोकी थी, तो एक बारी में एक ही गाड़ी मतलब इधर से जो जा रही है, ट्रक वगैरह सामने से आती है। तो देखो पहाड़ वगैरह भी इधर से दिख रहे हैं, कहाँ गए हीरे। देखते हैं आज शायद से चलेंगे उधर भी, तो चलते फिर आपको बताऊँगा जा भी जाऊँगा। गाइस ये है हम जहाँ पर जैसे मच्छी क्या बोलते हैं इसको, मछियार बोलते हैं, जहाँ पर मछली होती है। देखो अगर आपको देख पा रही होंगे तो देखो झुंडी झुंडा मछली होगा, कितनी मछलियाँ हैं, बहुत मछलियाँ हैं इधर।
देखो जैसे आपको दिख पा रहा हो, अगर मछलियाँ दिख रही है ये बोल रहा है इधर से रोड है ये। फालतू फोन है किसी की। मछियाल कमेटी वो क्या कर रहे, बात कर ले क्या है कमेटी में? हाँ वो लिखा सामने बोर्ड है। हाँ वो सामने लिखा है गाइस। जैसे देख सकते हो कि जितना इनको खिलाना था, मतलब आटा चावल वगैरह जो डालना था वो डाल दिया है। तो अगर मछलियाँ दिख पा रही तो कितनी सारी मछलियाँ देखो इधर इधर। ये मछलियाँ इतनी सारी, ये आपका बैजनाथ मंदिर साइड जाते पड़ता है मंदिर, जय शनिदेव लिखा हुआ है इधर, ये रोड आता है। अरे चलो गाड़ी में बैठते हैं, अब चलते हैं। गाइस जहाँ पर हम मतलब अस्थियाँ बहाने के लिए आए हैं वो ये जगह है, इधर ही नहाएंगे हम। देखो मतलब ताज़ा ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा है डायरेक्ट, उधर भी कुछ लोग नहा रहे हैं तो हम भी देरी नहाएंगे अस्थि वगैरह बहा के, तो चलते चलो। अच्छे रहने भाई, इधर वो लोग अस्थियां बहाते हैं, जैसे जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते वो लोग इधर अस्थियाँ बहाने के लिए आते हैं, और इधर पूजा वगैरह सब इधर ही होती है आपकी। अब गए इसमें नहाएंगे, फिर उसके बाद पूजा वगैरह होगी, पंडित जी आ गए हैं। फिर अस्थियाँ बहाई जा रही है इधर, ये क्योंकि जो गाठ बांधते वो खुल रहे हैं, गाठ बांधने के बाद इधर भी मुंडन हो रहा है। तो ये शिवा है, शिवा राणा, और चलो चलते हैं, हम नहाएंगे उधर जाके नहाएंगे, क्योंकि इधर तो यार बाल वाल कट रखे तो उधर ही जाके नहाएंगे, तो करते हैं फिर चलते हैं। भाई साहब पंडित ने बोल दिया है कि इधर भी कटिंग करवानी पड़ेगी, कटिंग करवा के फिर नहाएंगे चाचू, फिर पूजा होगी जो भी होनी है पूजा होकर फिर होगी। अब नहाने के लिए नहाने जा रहे हैं, अब नीचे दिखाता हूँ, उधर फ़ोन तो ले जा नहीं पाऊँगा क्योंकि उधर पानी का बहाव तेज है, इसीलिए फ़ोन नहीं ले जा पाएंगे इधर। तो चलते दिखाता हूँ पानी का बहाव कितनी तेज है, पहले दिखाता हूँ। पानी का बहाव बहुत तेज है इसलिए उधर फ़ोन नहीं ले जा रहा, मैं फ़ोन ले रख के जाऊँगा, तो चलो चलते थे। गाइस हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं, वैसे नहाए थे बहुत बढ़िया, ठंडा पानी था बर्फ़ का, नेचुरल पानी वैसे हमेशा ठंडा ही रहता है। तो अब चल रहे हैं हम घर की साइड, ऊपर चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी है हमें, सारे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं चाचू वगैरह ताई सब, तो चलते चलो आगे दिखाता हूँ कहाँ पर हम इस जगह पर नहाए थे, जो सामने दिख रहा होगा आपको, इधर नहाए हम और इधर से आए थे, अब चल रहे ऊपर की साइड, तो चलो चलते फिर। गाइस अब चल रहे हैं ऊपर के घर की साइड, थक गए तो चलते हैं। इधर से प्रसाद वगैरह ले लिया है, प्रसाद लेके चलते हैं अब, चलो आगे साइड, तो चलते हैं हम चल रहे। तो देखो जैसे आपको दिख रहा होगा इधर पूरा, हम रुके हैं, और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मतलब जैसे इधर जो पानी चलता रहता है तो वो चीज़ बढ़िया रहती है इधर,
नेचुरल पानी जो होता है, दिखाता हूँ अभी गाड़ी का रज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो दिखाता हूँ। ये देखो, देख पा रहे हो जैसे ये जा रहा है इधर से, एकदम साफ पानी है जो देख सकते हो। पहाड़ की यही खास बात होती है कि एकदम प्योर पानी मिलता है, साफ एकदम। अब उधर सामान वगैरह ले रहे हैं, वो भी हम लेने के लिए आ रखे हैं, जो घास काटने के लिए हाथ से पकड़ते हैं घास काटने के लिए, वो वाली चीज दिखाइए लिए ताऊ से होती है, ये उसमें लगती है, ये उसमें लग के फिर ऐसे घूमती है, इसके अंदर लोहा होता है, ये लकड़ी घूमती है उसके साथ साथ बस। तो ये लेने के लिए आ रखे थे, और ये घरेलू आटा चक्की या चक्की मशीन है भी इधर, तो चलते फिर गाड़ी घड़ी है, तो चलो चलते। घर आ चुके हैं और लंच कर रहे हैं, लंच करके फिर बताता हूँ क्या होता है आगे। ये आगे क्या बना आज, मटर पनीर और चावल सैलेड, तो करते हैं फिर मिलते हैं।